नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर के 1 सितंबर से आपके जेब पर असर डालेंगे कई बदलाव। नए नियम 1 सितंबर से होंगे लागू। अगस्त का महीना अब जाने वाला है और इस महीने के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आने वाले सितंबर में जहां आपको ज्यादा टोल टैक्स देना होगा, वहीं पंजाब नेशनल बैंक के ऐसे ग्राहकों को अपना अकाउंट मैनेज करने में दिक्कत होगी जिन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं करवाई है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक पिछले कई दिनों से ग्राहकों से केवाईसी अपडेट करने को कह रहा है। केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 है। बैंक का कहना है कि जो भी ग्राहक 31 अगस्त तक केवाईसी नहीं कराएंगे, उन्हें 1 सितंबर से अपना अकाउंट यूज करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में टोल टैक्स में इजाफा करने का निर्णय लिया है। बढ़ा हुआ टोल टैक्स 1 सितंबर से लागू होगा। अब छोटे वाहन जैसे कि कार के मालिकों को यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने पर प्रति किलोमीटर 10 पैसे ज्यादा देने होंगे। वहीं बड़े कमर्शियल गाड़ियों को प्रति किलोमीटर 52 पैसे ज्यादा टोल देना होगा। और साथ ही आपको बता दें कि 1 सितंबर से आपका बीमा पॉलिसी का प्रीमियम कम हो जाएगा। इसका कारण बीमा नियामक यानी कि IRDA द्वारा जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव करना है। अब इंश्योरेंस कमीशन पर एजेंट को 30-35% के बजाय केवल 20% ही कमीशन मिलेगा। इससे लोगों के प्रीमियम में कमी आएगी। और साथ ही आपको बता दें कि 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घर, मकान या फिर प्लॉट सहित सभी प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। सरकार ने गाजियाबाद का सर्किट रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। सर्किल रेट में 2-4% तक की वृद्धि की गई है। और वहीं आपको बता दें कि 1 सितंबर से पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। पंजाब सरकार 1 सितंबर से घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में देगी। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में फ्री बिजली देने का वादा किया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले कि देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 तक विश्व गुरु बनने की बात कही गई थी, लेकिन देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। राहुल ने ये भी कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और टैक्स के बोझ के तले जनता दबी जा रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिवाली से शुरू हो जाएगी जियो की 5G सर्विस। दिसंबर 2023 तक देश के हर हिस्से में होगी सर्विस। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक शुरू हुई और कंपनी की इस 45वीं AGM को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस बैठक पर निवेशकों समेत कॉरपोरेट जगत और शेयर बाजार की नजर टिकी हुई थी। अंबानी ने कहा कि दुनिया महामारी के असर से बाहर निकली, लेकिन भू राजनीतिक संकटों ने अनिश्चितता बढ़ा दी। अंबानी ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य है कि भारत 2047 तक विकसित देशों में शामिल होगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज इस लक्ष्य को पाने में पूरी मदद करेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 48 घंटे में मिलेगा 40,000 का लोन, महिलाओं के लिए सरकार की नई स्कीम। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला निधि योजना की शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के लिए इस स्कीम का ऐलान बजट के दौरान किया था। इस स्कीम की मदद से राज्य की महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं और खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बना सकती हैं। इस स्कीम के जरिए महिलाओं को कारोबार के लिए लोन मुहैया कराया जाएगा। महिलाएं लोन लेकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। आर्थिक मदद के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और आपको बता दें कि महिला निधि योजना के तहत 40,000 रुपए तक का कर्ज 48 घंटे में महिलाओं को मिल जाएगा। वहीं 40,000 रुपए से अधिक का कर्ज लेना है तो 15 दिनों में आवेदक के खाते में पैसा आ जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना मामलों में आई गिरावट, 24 घंटे में दर्ज हुए 8,000 से कम नए मामले, एक्टिव केस 84,931। आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,591 नए मामले सामने आए। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 84,931 हो गई है। पर आपको बता दें कि इस बीच 24 घंटे के दौरान ही 30 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, ओणम त्योहार से पहले मिला है गिफ्ट। आपको बता दें कि केरल के सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहार से पहले अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सरकार ने सोमवार को आगामी ओणम त्योहार के सिलसिले में राज्य के कर्मचारियों के लिए 4,000 रुपए के बोनस की घोषणा कर दी है,
राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी बोनस के हकदार नहीं है उन्हें विशेष त्योहार भत्ते के रूप में 2,750 रुपए मिलेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग मोदी का तोड़ ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा है। बोले कि 2029 के बाद ही सोचे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संगठित क्षमता, जनता से जुड़ाव और उनकी मुश्किलों को जमीनी समझ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह की लिखी किताब द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, इसके विमोचन के अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता सिंह ने ये भी कहा कि कुछ लोग मोदी की कार ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें ये मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग मोदी का विकल्प ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें कोई तोड़ मिल नहीं रहा है। उन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों का हवाला देते हुए कहा है कि उनका मानना है कि 2029 के बाद ही उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की IRCTC ने शुरू की है नई सुविधा। अब रेल में यात्रा करते समय व्हाट्सएप पर ऑर्डर करें खाना। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। IRCTC की तरफ से शुरू की गई एक नई सुविधा के तहत अब रेल यात्री व्हाट्सएप के जरिए खाना मंगवा सकेंगे। इसके लिए IRCTC की फूड डिलीवरी सर्विस जूप ने ट्रेनों में आसान और अधिक सुविधाजनक फूड डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए जियो हैपिक के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें कि यात्री ट्रेन में सफर के दौरान अब व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का उपयोग करके अपने ट्रेन में खाना ऑर्डर कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को अपने PNR नंबर का उपयोग करना होगा, जिसके बाद यात्री अपने भोजन को सीधे अपनी सीट पर हासिल कर पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, टमाटर 500 और प्याज 300 रुपए किलो। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इन दिनों सब्जियों के दाम चरम पर पहुंच गए हैं। लाहौर में टमाटर 500 रुपए प्रति किलो बिक रहा है तो नींबू 400 रुपए प्रति किलो की कीमत में बेचे जा रहे हैं। सब्जियों के दाम अचानक बढ़ने के पीछे वजह बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ को बताया जा रहा है। और वहीं मौजूदा हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान IMF से मिलने वाली राहत पैकेज का इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ताइवान स्ट्रेट बना महाशक्तियों का जमावड़ा, तैनात किए महाविनाशक हथियार, नैन्सी यात्रा के बाद विवाद गहराया। आपको बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन और अमेरिका के बीच में तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देश अपने अत्याधुनिक हथियारों का जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट पर अमेरिकी सेना ने अपने महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के पूर्व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फोन पर बातचीत भी हुई थी और ये तय माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच में तनाव और गहरा सकता है। दोनों देशों के बीच ताइवान को लेकर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब ये माना जा रहा है कि चीन पीछे हटने वाला नहीं है, तो वहीं ताइवान के मसले पर भी चीन और ताइवान में टकराव तेज हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ताइवान से श्रीलंका तक दादागिरी दिखा रहे चीन को भारत ने दिखाया आईना, दुखती रग पर रखा हाथ। आपको बता दें कि ताइवान मामले में भारत ने पहली बार चीन को जमकर लताड़ा है। ताइवान से लेकर श्रीलंका तक चीनी दादागिरी पर भारत ने चीन को आईना दिखाया है। श्रीलंका में चीनी राजदूत के कठोर बयान के बाद कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने चीन को करारा जवाब दिया है। भारत ने पहली बार ताइवान का जिक्र करके चीन के दुखती रग पर जोरदार पलटवार किया है। भारत ने ताइवान जल डमरू मध्य में चीन की तरफ से किए जा रहे विनाशकारी हथियारों के जमावड़े का उल्लेख किया। भारत के इस बयान से चीन जरूर अचरज में पड़ा होगा कि आखिर भारत के बयान के बाद कूटनीतिक मायने क्या है। आपको बता दें कि जानकार तो ये भी कहते हैं कि ताइवान के मामले में भारतीय नीति ज्यादातर तटस्थता की रही है, यही कारण है कि चीन और ताइवान विवाद पर भारत मौन ही रहता है। उधर भारत चीन सीमा विवाद के बाद नई दिल्ली के रुख में बदलाव आया है। भारत ने अब ताइवान विवाद पर एक चीनी नीति का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि ताइवान को लेकर शायद भारत पहली बार खुलकर बोल रहा है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।